अब तक आपने देखा रामानुज अपने ऋण की समस्या को दरबार में रामा के समक्ष रखता है। रामा पुस्तक का सार दूसरे राज्यों में भिजवाता है ताकि पुस्तक की महत्वता ज्ञात हो सके। सभी राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती देख महाराज स्वयं पुस्तक देखते हैं और उसे 100 स्वर्ण मुद्रा में क्रय करने का निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर भास्कर गुरुकुल भेजे जाने की बात से चिंतित है। तभी अम्मा शारदा रामा को समझाने का निश्चय करते हैं। अब आगे अम्मा भूख लगी है, शीघ्र भोजन दे दो। भूख लगी है तो स्वयं ले ले और खा ले। अरे इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो, भोजन ही तो मांग रहे हो ना। तू कौन सा हमारी बात सुनता है जो हम तेरी बात सुने। भास्कर एक वर्ष और रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा। उचित है, भास्कर एक वर्ष और गुरुकुल नहीं जाएगा। बस नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, एक वर्ष और ये हमारे साथ रहेगा। मैं तो कहता हूँ आज हमें उत्सव मनाना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं, सारा दिन भ्रमण करेंगे, बाहरी भोजन करेंगे, नए वस्त्र क्रय करेंगे। कैसा लगा मेरा विचार? नए वस्त्र? अरे उसका ये देख, ये कैसा है? नहीं ये कैसे है, सुंदर है ना? नहीं शारदा देखो भास्कर के लिए कैसा है। देखिए अम्मा कितना मूल्य है? 10 मुद्रा। नहीं नहीं ये तो बहुत ही अधिक मूल्य है। अरे कोई बात नहीं भास्कर उठ, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पुत्र की प्रसन्नता से अधिक कुछ भी नहीं है। ये दे दीजिए। अम्मा देखिए कितनी सुंदर है। कितने की है? 10 मुद्रा। ये तो बहुत अधिक है, रहने दीजिए। नहीं नहीं भास्कर के बस में इतनी है। नहीं अम्मा। अरे क्या कर रहा है, शारदा को भी लेकर दे, कंजूसी क्यों कर रहा है? उचित है, ले लो ले लो, उठा लो। मुझे तो निद्रा आ रही है। हाँ अम्मा सो जाओ, शुभ रात्रि। बाबू माँ का दुलार कभी भूल ना जाना, अपनों का प्रेम कभी ना बिसराना, पापी के आगे शीश ना झुकाना, काटे हो फिर भी पग ना रुकाना, मार्ग हो कठिन तो भी भयभीत ना हो, असत्य की जीवन में कभी जीत ना हो, दूसरों की पीड़ा सदा मैं में रहे, जो है सही तू अडिग उस पे रहे, सत्य की राह को तू कर निश्चित, हृदय में ना हो संशय किंचित, दूसरों की सेवा है परमो धर्म, कष्ट ना हो किसी को तो करना ऐसे कर्म, कार्य ऐसे करना जो सदा याद रहे, बड़ों का तेरे सर पे आशीर्वाद रहे। आज तो हम बहुत थक गए परंतु आनंद भी बहुत आया। सुनिए हमें प्राय ऐसे ही भ्रमण पे जाना चाहिए। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? चलिए शुभ रात्रि। महाराज सब कुशल मंगल तो है, आपने इतनी रात्रि हमें स्मरण किया। जी गुरुवर, सब कुछ कुशल मंगल है, परंतु सब कुछ कुशल मंगल रहे इसीलिए आपको बुलाया गया है। गुरुवर एक विशेष मंत्रणा करनी थी आपसे। विजयनगर का सेवक प्रस्तुत है। आपको तो ज्ञात है गुरुवर कि पंडित रामकृष्ण अपने पुत्र को कल गुरुकुल छोड़ने जा रहे हैं,
ओह अच्छा अच्छा, भास्कर एक नन्ना बालक है गुरुवर जी, अबोध है और अपने घर से दूर, एक गुरुकुल में रहना, उसे वहां छोड़ना, सब कुछ व्यवस्थित करना, फिर वहां उसे छोड़कर पुनः लौट कर आना, ये सब किसका धर्म है? किसी का नहीं जी। नहीं, वो हमारा कहने का आशय है कि ये जो धर्म है ये तो उस पुत्र के पिता का है, अर्थात पंडित रामकृष्ण का धर्म है। सत्यवचन गुरुवर, परंतु आपको तो ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण अपने पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, और रामा तो क्या किसी भी पिता के लिए अपने पुत्र को इतनी दूर अपरिचितों के मध्य में रखकर आना कितना कठिन होगा। सत्य वचन महाराज, तो हम जानना चाह रहे थे कि भास्कर को छोड़ने वहां गुरुकुल में किसे जाना चाहिए? किसे किसे जाना चाहिए गुरुवर? धनी मनी को। धनी मनी के गुरुवर को? आपको गुरुवर जी? हमें, अर्थात आपका अर्थ है कि हम विजयनगर के राजगुरु गुरुवर तथाचार्य पंडित रामकृष्ण के उस प्यारे से पुत्र को गुरुकुल छोड़ने के लिए जाएं? अब आप समझे गुरुवर, अद्भुत। बड़ी विडंबना है, जिसे गुरुजी सर्वाधिक घृणा करते हैं उसका ही जीवन व्यवस्थित करने के लिए अपना जीवन अव्यवस्थित करेंगे। धनी मनी, हम चाहते हैं कि आप भी गुरुवर के साथ जाएं। गुरुवर अब वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसे कहते हैं विधि का विधान। हमें भी एक दो दिन का अवकाश मिल जाएगा, आनंद उठाएंगे। वृद्ध हम? नहीं तो क्या हम गुरुवर? आते हैं। ना जाने कौन सा दुर्योग है हमारी कुंडली में, पंडित रामकृष्ण हो या भास्कर, ये दोनों पिता पुत्र किसी ना किसी तरह से हमें प्रताड़ित करने का कारण बन ही जाते हैं। ये लीजिए, ये हमारा अनुशंसा पत्र है, भारतवर्ष की सभी गुरुकुलों में से कपिलेशपुरम की विशेष महत्ता है। राजकीय अनुशंसा पत्र के बिना किसी भी छात्र का वहां प्रवेश कठिन होगा, असंभव होगा। अतः इस पत्र को संभाल के रखिएगा गुरुवर, कल प्रातः आप स्वयं भास्कर को अपने संरक्षण में कपिलेशपुरम छोड़कर आइएगा। जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, फंस गए हम तो। चलिए फंस गए तो फंस गए। अरे रे 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 रे, सदैव प्रसन्न रहो राजकुमार। प्रणाम। केश नहीं, हमारा जीवन नष्ट किया उस भास्कर ने, और अपना जीवन सुधारने गुरुकुल जा रहा है। हम भी देखते हैं कैसे जाता है गुरुकुल। भास्कर, उठ पुत्र, सवेरा हो गया, आजा, 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 उठ जा, उठ जा, उठ जा, जल्दी, 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 बापू, इतने प्रातः कौन आया होगा? भास्कर तैयार है? गुरुवर, इतनी प्रातः आप? भास्कर तैयार है, अर्थात रामा
भास्कर कहाँ जा रहा है? अरे बताइए तो ये हो क्या रहा है? अम्मा ये देखिए, ये भास्कर के वस्त्र और कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं। भास्कर के वस्त्र, आवश्यक सामग्री, ये हो क्या रहा है? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? भास्कर को कहां भेज रहे? गुरुकुल। बापू मुझे गुरुकुल नहीं जाना, कल आप ही ने सिखाया था, अब मुझे गुरुकुल नहीं भेजेंगे। मुझे गुरुकुल नहीं जाना बापू, मुझे गुरुकुल नहीं जाना। अम्मा, तू अपना वचन तोड़ रहा है रामा। तूने कल ही हमें आश्वासन दिया था कि भास्कर अभी एक वर्ष तक गुरुकुल नहीं जाएगा। हाँ हाँ, कहा था, मैंने निर्णय लिया था कि भास्कर एक वर्ष और रहेगा हमारे साथ। तो कल कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। कल जब मैं दरबार से लौट रहा था तो ये वस्त्र मैंने धोकर सुखाने के लिए रखे थे, किंतु अब इनमें फिर से मिट्टी लगी है। अवश्य ही किसी बालक की शैतानी है। कहीं हकार पंडित रामकृष्ण के पुत्र भास्कर का तो नहीं है? सुना है भास्कर के कारण युवराज बालक हमारा गंजे हो गए। भास्कर की शैतानियां सीमा पार कर चुकी हैं अम्मा। अब यदि विजयनगर में कुछ भी होगा तो पहला संदेह इसी पर किया जाएगा। इसलिए यदि कुछ नहीं भी किया होगा तो भी लोग इसी पर उंगली उठाएंगे, और मैं एक पिता होने के नाते अपने पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहूं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। विश्वास करो, मैंने इसके और हम सब के भले के लिए ऐसा किया है। पापा मैं वचन देता हूँ, मैं ऐसी कोई शैतानी नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ पर रहना है। अम्मा शारदा, समझाओ ना पापा को। हाँ, अपने बच्चे के बगैर कैसे रह पाएंगे? भास्कर तू यहाँ क्या कर रही? जहाँ भास्कर वहाँ मैं। छोटंकी, गुरुकुल बहुत दूर है, जा अपने घर जा। नहीं नहीं गुरु, ये दोनों अत्यंत ही घनिष्ठ मित्र हैं। अपने बापू के बाद ये इसे ही सबसे अधिक मानता है। आप इसे जाने दीजिए, भास्कर का भी मन लगा रहेगा। तू चिंता मत कर कांता, वैद्य जी को मैं सूचित कर दूंगी। हा? भगवान, एक कम था तो दूसरी भी आ गई। चल चल बैठ। मुझे क्षमा कर देना भास्कर। मोही लटकाने से क्या होगा? कुछ बदल जाएगा क्या? प्रसन्नता से नाच भी तो नहीं सकता। गुरुकुल जा रहा सूर्य कंता। कितनी बार कहा है कि यह नाम मुझे पसंद नहीं है। कांता हूँ मैं, कांता। ये लो, गहरी निद्रा में मग। तुम्हारे दुख में कितने दुखी हैं ताता जी। सो नहीं रहे, जान पूछ कर मुझे चिढ़ा रहे। चलो भागो। कहाँ?
ओह, प्रश्न बहुत पूछते हो, अब उठो भी। किंतु क्यों? तुम्हें गुरुकुल नहीं जाना ना, तो यही समय है ना। यदि हम यहाँ से भाग गए तो गुरुकुल कौन पहुँचेगा? दाता का भूत। दाता अभी तक जीवित है बच्चों। जब तक दाता जीवित है भाग नहीं पाओगे। आप जीते हो, हम चलते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है मनी। मेरे को प्यास लगी है। दानी काका। मनी, ये बच्चे बुला रहे हैं। प्रतीत होता है कुछ खाने को देंगे। अरे रोको, अरे रोको, अरे रोको, पकड़ो, अरे हमारी बच्चों को पकड़ो, अरे बच्चों को पकड़ो। मनी, बच्चे कहाँ चले गए? पकड़ो, खड़े क्या हो? पकड़ो। कहाँ गए? लापता हो गए। के पीछे, अरे पकड़ो, भागो, भागो। अरे भाग रहे हो क्या? अरे ये भागने की प्रतियोगिता कर रहे हो क्या? बस कहाँ चले गए? 20 वर्ष पश्चात भास्कर विजयनगर आया, अपने पिता रामा को लापता पाया। साम दाम दंड भेद अपनाऊंगा, मैं अपने पिता को ढूंढ के लाऊंगा। ये भास्कर नहीं मिला तो क्या हो गया गुरुजी? महाराज तो आपको मृत्यु दंड ही दे देंगे। हाँ गुरुजी, भास्कर और कांता को गुरुकुल छोड़ने का दायित्व तो आपने लिया था, आप ही सोचिए क्या करेंगे अब। भूसे के ढेर में सुई की भांति ना जाने कहाँ लुप्त हो गया। अब क्या करें? गुरुजी, अपने इष्ट देव महादेव को बुलाइए। क्यों? गुरुजी वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, ये अनर्गल प्रणाम मत करो। अब हमारा क्या होगा? ये छुपे बैठे हैं दोनों। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे भाग गया, अरे फिर से भाग गया। रुक जा भास्कर, तुझे तेरे पिता पंडित रामकृष्ण की सौगंध। यदि तू अपने पिता से लेश मात्र भी प्रेम करता है तो तू कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो तेरे गुरुकुल पहुंचने में बाधा उत्पन्न करे। समझ गया तू? कुछ तो खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तूने भी तो नहीं खाया और रामा ने भी अभी तक एक भी निवाला अपने गले से नीचे नहीं उतारा है, तो मैं कैसे? अम्मा, अब हमें भास्कर के बिना और भास्कर को हमारे बिना रहने की आदत डालनी होगी। हम दोनों तो कैसे भी बोल सुनकर अपना दुख एक दूसरे से बांट लेंगे, परंतु रामा का क्या? उसने तो अपने आप को ही दंड दे दिया है, एकांत का दंड। कुछ दंड बिना दोष के भी भुगतने पड़ते हैं अम्मा। लेने दीजिए इन्हें एकांत में। बीस वर्ष पश्चात भास्कर आया, अपने पिता रामा को लापता पाया। साम दाम दंड भेद अपनाऊंगा, मैं अपने पिता को ढूंढ के लाऊंगा। दंडता और उच्छृंखलता में अंतर होता है, ये समझना पड़ेगा तुम दोनों को। स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझता है ना तू? अब देखते हैं कैसे भागता है तू। और तू
इसकी सहायता करती? कैसे सहायता करती है तू इसकी? हमसे चतुराई, राजगुरु तथा चार्य से चतुराई। तेरे पिता के भी गुरु हैं हम। चतुराई में हम पर विजय प्राप्त करना असंभव। कांता क्या कहती है? मुझे तो नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यही कि आपके सुशांत मस्तिष्क में थोड़ी बहुत भी बुद्धि वास करती है। आप ही बताइए, आप सचमुच चतुर है? चतुर क्या? अभी तो काम नहीं, चतुराई में समस्त विश्व में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। महादेव की कृपा से हमने अत्यधिक ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। अरे कितने होते? ये भी कोई प्रश्न हुआ? दो। अरे वो कौन था, इन्होंने तो सही उत्तर दे दिया। अच्छा तो एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो ऊपर से कड़ी किंतु भीतर से नरम होती है? नारियल। अरे बच्चों, यदि प्रश्न ही पूछने हैं तो कम से कम हमारी बुद्धिमता के स्तर के प्रश्न तो पूछो। उचित है। तो ये बताइए कि अभी हमने आपसे प्रथम प्रश्न क्या पूछा था? एक और एक कितने होते हैं? चतुराई के विश्वजीता अपने ही जाल में फंस गए कांता। प्रथम प्रश्न तो आप सचमुच चतुर है ना? चुप, चुप रहो। इससे इतनी घृणा क्यों करती है? कारण क्या है?